Okay, children, good afternoon, everyone. So today we are Done. going to start our maths class. So as we have done addition sums, okay? Addition sums we did, okay? उसमें हमने आपको कल समझाया था कुछ हमने addition की properties की थी कि addition में हम किसी भी नंबर को हम आगे पीछे रखकर एडिशन कर सकते हैं. हम नंबर्स का जो नंबर्स हमें गिवन है उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एडिशन में सपोज नंबर गिवन है 4346 प्लस 3456. ओके, ये आपने नोटबुक पे नहीं करना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आप 4346 रखते हो, फिर प्लस का साइन लगा के 3456 रखते हो, है ना. लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो. अगर ऑर्डर चेंज भी कर दे तो आंसर हमारे पास सेम आता है. ठीक है, ठीक है जी. जब हम ऑर्डर चेंज करते, अगर हम 3456 को आगे लिख दें, फर्स्ट नंबर पे लिख दें, और 4346 को सेकेंड नंबर पे लिखें, तो अब तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा. ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज आ रही, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. नॉट, अभी भी नहीं आई. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर, है ना. हम किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को लिख दें, आंसर हमारे पास सेम आएगा. चाहे हम फर्स्ट नंबर को ऊपर लिख दें, सेकंड नंबर को नीचे लिख दें, चाहे हम सेकंड नंबर को ऊपर लिख दें और फर्स्ट नंबर को नीचे लिख दें, तब भी हमारे पास सेम आंसर आता है. ठीक है, 1, 10, 8. So this was only for your understanding. Okay, कि हम इनका order भी change कर सकते हैं. Clear? So आज हम कर रहे हैं statement sums. So for that you need to open your book, page number 35. Okay? ये आपको notebook पे लिखने की जरूरत नहीं है. This was just for understanding. Okay? This was just for understanding. Now open page number. First statement है exercise 2E. Okay. And first sum. There are 230 small beads and 150 big beads in a necklace. ठीक है, एक necklace है. ठीक है, उसमें 230 small beads हैं and 150 big beads हैं. ठीक है, how many beads are there together? तो उसमें total कितने beads हैं वो हमने बताने हैं all together. ठीक है, तो जैसे हम सेकंड में भी करते थे, जब हमें कोई भी स्टेटमेंट में पूछा है कि इन टोटल उसमें कितना है, ऑल टुगेदर कितनी चीजें हैं, दैट मींस हमें उनको क्या करना है, हमें उनका सम निकालना है. ठीक है, हमें उनको ऐड करना है. ठीक है, तो अभी हम स्टेटमेंट लिखेंगे. आप मैम के साथ साथ स्टेटमेंट लिखोगे. ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 35 लिखोगे वो नोटबुक पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने कौन से पेज की एक्सरसाइज की है बुक की. अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है. अब हमें यहाँ पे स्मॉल बीड्स और बिग बीड्स की नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स एंड नंबर ऑफ बिग बीड्स दिए गए हैं, है ना. तो हमारी स्टेटमेंट कैसे शुरू होगी, number of small beads.
एक्सक्यूज मी मैम, आप थोड़ा सा क्लोज कर सकते हो अपना बोर्ड, क्योंकि विजिबल नहीं है प्रॉपरली लैपटॉप के। हाँ हाँ जी हाँ जी, बेटर बेटर, थैंक यू। नाउ नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स, हाँ जी कितने हैं हमारे पास, 230। यहाँ पे आप ऊपर प्लेस वैल्यूज लिख सकते हो। टेंस, हंड्रेड, ओके। देन वी हैव नंबर ऑफ बिग बीड्स, ठीक है। तो अब बिग बीड्स, हाँ जी यू हैव टू राइट इन द नोटबुक, आपने स्टेटमेंट सम नोटबुक पे ही सॉल्व करोगे आप, ठीक है। बुक पे तो स्पेस है ही नहीं, बुक से सिर्फ आप स्टेटमेंट देखोगे, ओके। और आप नोट अपनी नोटबुक पे करोगे, सॉल्व अपनी नोटबुक पे करोगे, ओके। नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स, देन नंबर ऑफ बिग बीड्स, हाँ जी बिग बीड्स है 150। अब हमें उन्होंने पूछा है हाउ मेनी बीड्स आर देयर टूगेदर, ऑल टूगेदर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि हमें हमें टोटल बीड्स बताने हैं, ठीक है, कि हमारे पास कितने हैं, तो वो आप सॉल्व करोगे अब खुद। अब थर्ड स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, टोटल या फिर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ बीड्स ऑल टूगेदर, नंबर ऑफ बीड्स ऑल टूगेदर। उसके लिए हम क्या कर देंगे, दोनों जो स्मॉल है और जो बिग बीड्स है उनको हम ऐड कर देंगे, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सो नाउ यू कैन ऐड 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 1, 3। सो द आंसर 380 बीड्स, ओके। स्टेटमेंट सम्स में आपने आंसर जरूर बताना है। तान्या डू यू हैव एनी डाउट, यू हैव रेज योर हैंड, ओके वेरी गुड, यस 380। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ दैट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कुछ सम्स हम क्लास में करेंगे, कुछ सम्स आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क वर्कशीट में आपको ग्रुप में सेंड हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ विल डू फोर्थ सम। अ शॉपकीपर हैड 925 एग्स एंड ही बॉट 1200 मोर, ठीक है। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, कि एक शॉपकीपर के पास पहले से कितने एग्स थे, 925, ठीक है, और उसके बाद ही बॉट 1200 एग्स मोर, मतलब उसने 1200 एग्स और खरीद लिए, मोर मतलब और खरीद लिया उसने। देन हाउ मेनी एग्स ही हैड नाउ, देखो पहले से उसके पास थे 925, फिर उसने 1200 और उसके पास आ गए एग्स, है ना, उसने और खरीद लिए, तो अब बताइए उसके पास एग्स ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। राइट इन द चैट बॉक्स, क्या होंगे उसके पास एग्स, नंबर ऑफ एग्स उसके पास लेस होंगे या मोर होंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे, राइट इन चैट बॉक्स, मोर, यस ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा कैसे होंगे, एडिशन, ऐड करने से पता चलेगा ना हमें, कि पहले अगर मेरे पास वन पेन है, मैंने थ्री पेन मोर ले लिए, थ्री पेन्स मैंने और ले लिए, तो मेरे पास टोटल कितने पेन हो जाएंगे, 3 + 1 4 हो जाएंगे। ऐसे ही
शॉपकीपर के पास 925 एग्स थे, फिर उसने 1200 एग्स और मोर एग्स उसके पास आ गए, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे? ठीक है, क्योंकि फोर मेरे पास वन पेन था, थ्री पेन्स मेरे पास और आ गए, वो तो मैंने काउंट करके बता दिया कि फोर हो गए, है ना, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये ज्यादा नंबर्स हैं, डिजिट्स ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे. ओके, सो शैल वी स्टार्ट फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, राइट फर्स्ट स्टेटमेंट. अब आप खुद लिखोगे अ शॉपकीपर हैड 925 एग्स, तो आप क्या लिखोगे, A shopkeeper had eggs. ठीक है, फोर्थ सम. A shopkeeper had eggs. How many eggs he had? 925. Okay. Then he bought 1200 more eggs. ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, he bought eggs. How many? 1200. That means अब यहां पे thousands place missing है upper number में, तो हम वहां पे जीरो लगा देंगे, 1200. हां जी, सो नाउ वी आर आस्क्ड हाउ मेनी एग्स ही हैड नाउ. अब हमें बताना कि उसके पास अब कितने एग्स हैं, तो वो हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तभी पता चलेगा हमें. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एग्स he had now is equal to, हम add करेंगे तो यहाँ पे हमने plus addition का sign लगा देना है, then we will add. okay, हाँ जी शाबाश, add कीजिए, you will add, आप खुद करोगे add. Number of eggs he had now will add. Okay, Mahin has done. Lakshman, very good. Jasroop, are you writing statements side by side? जो बच्चे solve करके chat box में answer लिख रहे हैं, have you done on your notebook? Anshika, बेटा Anshika, check your answer. Manreet, Lakshman, have you done on the notebook? Manreet, have you done? Show me your notebook. Keep your notebook in front of the camera. Yes, very good. Manya has done. Good. Darshil, very good. So we will add, and by adding we will get 5 plus 0, 5, 2 plus 0, 2, 9 plus 2, 11, 1 carry over, 1 will be carried over, 2, 1 plus 1, 2. So the answer is 2125. Okay. Okay, so now question number 5 is, Gayatri ma'am, is it visible? अब question number 5 की statement read मैं करूंगी, लेकिन आप chat box में मुझे बताओगे कि हमें add करना है या हमें minus करना है. Clear? चलिए. So a building was decorated with 240 green bulbs, 350 red bulbs and 190 yellow bulbs. ठीक है,
How many bulbs were used in all? Manya. Manya has given the answer. Kanwarjot. Very good. Yes. देखो हमें उन्होंने अलग अलग कलर्स के बल्ब्स के नंबर्स गिवन है कि एक बिल्डिंग में ग्रीन बल्ब्स कितने हैं, रेड बल्ब्स कितने और येलो बल्ब्स कितने हैं, और हमें उन्होंने बोला है कि टोटल कितने बल्ब्स वहां पे यूज हुए। हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए हम ऐड करेंगे, है ना? सो डू इट नाउ। वेरी गुड, जल्दी से स्टेटमेंट लिखिए। नाउ सॉल्व दिस and you will tell me what will be the first statement. Sanvi, I am not writing on the board, you will tell me the first statement. में अगर किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी चीज के नंबर्स गिवन है कि बल्ब्स इतने हैं, फ्रूट्स इतने हैं, तो हम सिंपल हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, नंबर, नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स, नंबर ऑफ येलो बल्ब्स, नंबर ऑफ रेड बल्ब्स, ठीक है? सिंपल हमने ऐसे लिख रहा है, नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स, नंबर ऑफ रेड बल्ब्स। Seventh question. Yes. So look at the board. Sum number 7. After 5, we'll do 7th sum. A shopkeeper sold 810 soaps in first week. So hum kya likhenge? Number of soaps sold in first week. Is equal to 810. Okay. Then number of soaps sold in second week. Second week में कितने किए हमने सेल? 950. Okay. Now we have to tell total soaps. Okay. How many soaps did he sell in these 2 weeks? तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सॉक्स सोल्ड इन 2 वीक्स। अमरजीत, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। यस, 2 वीक्स। व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 0 + 0, 1 + 5, 6, 8 + 9, 17. Okay. Answer 1760 soaps. Now you will complete these sums on your notebook. Okay. As today's class work. And after that, you will do sum number 8. जिन्होंने 7 sum कर लिया है, वो sum number 8 करेंगे. बाकी अपने complete करो board से देख के. और 8 sum की statement, first statement क्या आएगी 8 sum की, वो chat box में लिखेंगे. What will be the first statement of 8th sum? Statement is, at a birthday party there are 175 children. ठीक है, एक birthday party है जहां पे कितने children हैं, 175.
60 वुमेन एंड 50 मेन. 60 वुमेन है और 50 मेन है. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पार्टी? देयर आर 170 चिल्ड्रन. चिल्ड्रन कितने हैं? 175. एंड वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन आप पहले लिखोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 175, देन नंबर ऑफ वुमेन 60, नंबर ऑफ मेन 50, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या आएगी आपकी? पीपल इन द पार्टी. ओके, पीपल इन द पार्टी, वेरी गुड. चलिए अब आप ये सम सॉल्व कीजिए. अमर जी स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन.